आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था, तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। गुजरात में ज्यादातर रुझानों में जहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तो कुछ जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। आपको बता दें कि आज हिमाचल और गुजरात में चुनावी नतीजे आने हैं विधानसभा के, जो कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी गई है। बता दें कि आज हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार जहां गुजरात में बीजेपी अपनी बढ़त बना रही है, वहीं कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश में अपनी बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बता दें कि जहां गुजरात में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में भी कड़ी टक्कर दे रही है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आज नतीजे आने हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी गुजरात में अपनी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि बीजेपी गुजरात में एक बार फिर से सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें गुजरात चुनाव की, तो इस बार चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव में देखा गया था, जिस तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए सत्ता में वापसी करते हुए नजर आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, जिस तरीके से देखा जाए आज विधानसभा 2022 का गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वहीं देखा जाए गुजरात की बात करें तो वो अपनी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मयूरी, और जिस तरह से यहाँ पर गुजरात के नतीजे आए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर सुखद एहसास होगा। 27 साल से लगातार वहाँ पर काबिज है और वहाँ पर इस बार बदलाव नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने वहाँ पर कोई एक अलग परिवर्तन की जो बात कर रही थी, कांग्रेस वहाँ पर नहीं हो पाया। साथ ही साथ यहाँ पर
2012 में शुरू हुई आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काबिज है, पंजाब में काबिज है, गुजरात में बदलाव की बात कर रही थी कि वहाँ हम सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पर सुपड़ा साफ करके आने वाले, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को कोई विशेष यहाँ पर यानी जो सुखद एहसास नहीं होने वाला है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर जैसे आम आदमी पार्टी गुजरात में जो सीटें जीत रही है तो कहीं ना कहीं एक संजीवनी जरूर मिलेगी और आने वाले समय में गुजरात में उसका संगठन ही मजबूत हो तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए सुखद है। कांग्रेस से निश्चित रूप से यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, बीजेपी के लिए निश्चित सुखद एहसास यहाँ पर है। गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, 27 साल का जो इतिहास है वो इतिहास भी यहाँ पर दोहराया जा रहा है और अब फिलहाल जो परंपरा है गुजरात में फिर चलने वाली है, परंपरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। गौरव, बात करें हिमाचल प्रदेश में तो जहां अमित शाह और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियां निकाली, वहां पर जनसभा किया था, तो अमित शाह ने कहा था कि इस बार रिवाज बदलना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो वही रिवाज दिख रहा है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं रिवाज बदले नहीं बदले ये तो जनता जनार्दन तय करती है। कई जगह ऐसी जहाँ पर मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते हैं, दोबारा नहीं बनते हैं, पर यहाँ पर 37 साल पुराने मिठक को तोड़कर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और दोबारा कोई सरकार लगातार रिपीट उत्तर प्रदेश में आई है। और यही कुछ व्यवस्था राजस्थान में भी लागू है कि राजस्थान में भी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, और ऐसी ही कुछ परंपरा हिमाचल प्रदेश में रही है। पर यहाँ पर जो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि इस बार जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, बदलाव बदलेगी और यहाँ पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। फिलहाल अभी तक स्थिति जो बता रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता से बाहर होने जा रही है। अभी कई चरण के मतदान का रिजल्ट आना बाकी है और अभी तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। पर निश्चित रूप से जो अभी जो रुझान अभी तक देखने को मिल रहे हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि गुजरात में बीजेपी आ रही है और हिमाचल में बीजेपी फिलहाल सत्ता से पीछे हो गई है और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। बात करें अगर राहुल गांधी की तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर कुछ दिखा है इस विधानसभा चुनाव में? वहां प्रियंका गांधी भी गई थी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा तो अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश अभी गई नहीं हो, अभी वहाँ से उन्होंने शुरू किया था और जिस तरह से वो यात्रा दक्षिण से शुरू हुई थी, हालांकि लगभग 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश से उसको गुजरना है, अभी फिलहाल MP में है और वहाँ पर इसकी यात्रा के माध्यम से अभी हिमाचल प्रदेश में जो प्रचार हुआ था वो नहीं हो पाता। पर निश्चित रूप से यहाँ पर एक संदेश जरूर जाता है नंदिनी, और जब संदेश जाता है तो जनता जानती है कि हाँ क्या बेहतर हो रहा है। मैंने हिमाचल प्रदेश की बात आपको बताई, वहाँ पर परंपरा यही रहती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। उम्मीद थी इस बार परंपरा बदलेगी, अमित शाह को उम्मीद थी, बीजेपी को उम्मीद थी, फिलहाल परंपरा नहीं बदल पाई है। अब वो असर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार का, फिलहाल प्रचार कुछ भी हो जनता जनार्दन अपना फैसला यहाँ पर देती है। प्रचार तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था, तमाम तरह के बड़े लोग वहाँ प्रचार करने गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहाँ सभाएं कर रहे थे। पर जनता जनार्दन ने जिसको फैसला देना होता वही फैसला देती है। प्रचार आप करते रहिए, वो लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र की इस महापर्व की एक जरूरत है कि प्रचार आपको करना है। फिलहाल जनता आपके पास ही अधिकार होता है कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी सरकार को गिराना है। गुजरात की बात करें गौरव, तो देखा गया था इस बार त्रिकोणीय लड़ाई थी जिस तरीके से भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी कहाँ इस बार, क्या लगता है कि किस तरीके से वो अपना इस बार दमखम दिखा पाई है? देखिए आम आदमी पार्टी जो बोल रही थी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके तमाम जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल की बात करें, संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, वो कहते हैं गुजरात में इस बार बदलाव होगा, वहाँ पर सरकार बनाने वा रहे हैं। पर सरकार तो वहाँ नहीं बन पाई, आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, जितने भी सीटें लेके आए 6-8 जो भी सीटें यहाँ पर दहाई का आंकड़ा पहुँचते नहीं पहुँचते ये भी बड़ी बात है, पर जो भी सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में काबिज होने के लिए, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त है। और निश्चित रूप से गुजरात में जीत कर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ बनने की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस वहाँ पर गुजरात में क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण रहे, तो वो तो चीज़ आपको पता है कि व्यवस्था ऐसी है कि 27 साल से गुजरात में बीजेपी काबिज है और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर काबिज है उसके पीछे जनाधार बीजेपी को आम जनता का मिल रहा है। कांग्रेस को वहाँ जनाधार बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा और रणनीति बनाएगी, जब रणनीति बनेगी संगठन मजबूत होगा तभी कुछ बदलाव होगा, अन्यथा जो परंपरा बीजेपी चलाती आ रही है वो परंपरा चल रही है और यहाँ पर गुजरात में वही परंपरा का अभी हमने देखा है कि वहीं पर परंपरा चल रही है, बीजेपी वहाँ पर दोबारा सत्ता में आ रही है। बात किया जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी गुजरात में वही परंपरा चल रहा है, वही परंपरा चल रही है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस ने भी कई मुद्दे उठाए थे और आम आदमी पार्टी ने भी कई मुद्दे उठाए, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया इसको लेकर, अगर गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त दिख रही है। नंदनी मुद्दे होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी अभी MCD चुनाव जीती है, कल उसके परिणाम आए थे, 134 सीट पर जीत कर आई है,
तो यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, नई आबकारी नीति के तहत यहाँ पर सत्यन जब लगातार कार्रवाई का तलवार लटक रही थी, इसके अलावा जो उनके मसाज के वीडियो वायरल हुए थे, उनके जेल में आरामदाही के बीच वीडियो वायरल हुए थे, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की बात चल रही थी, तमाम तरह के यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे थे, विधायकों की खरीद फरीद की बात चल रही थी, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में इस तरह का जो है काम है, इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह का संघर्ष चलता रहता है, पर जनता जनार्दन होती फैसला वो देती है। तो यहाँ पर मुद्दे कोई भी उठाए, देखिए अगर वास्तव में आपको कहीं जीत दर्ज करनी है तो इसके लिए संगठन मजबूत करना पड़ेगा, बूथ स्तर तक आपको मजबूत होना होगा, इसके अलावा रणनीति बनानी पड़ेगी। केवल एक दो यात्राओं करने से, केवल एक दो प्रचार करने से आपको किसी स्टेट में वहाँ पर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने वहाँ मेहनत की, इसलिए उसका वहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है। अगर 8 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती तो आम आदमी पार्टी के लिए मेरे सुखद एहसास होना चाहिए। भाई कांग्रेस में जितना ही मेहनत करेगी उतना परिणाम आएगा। कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर हुई है गुजरात में, तो इसका कारण भी यही है कि ना रणनीति, ना संगठन और ना ही मेहनत। लेकिन देखा जाए हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का शायद खाता ना खुला हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी को दोनों ही विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आगे चलकर फायदा मिलेगा। देखिए मयूरी, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पर भी चुनाव लड़ते हैं और जितने वोट भी आपको मिलते हैं उसका सीधा सीधा एक संदेश है कि उतने लोग आपको पसंद करते हैं, उतने लोग आपको समर्थन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा, 403 सीटें चुनाव लड़ा, अगर एक विधानसभा पर केवल 1000 वोट भी उनको मिले होंगे या 5000 वोट ही मिले होंगे तो इसका स्पष्ट कहना है कि 5000 लोग आम आदमी पार्टी को उस विधानसभा पसंद करने वाले हैं। और ये 5000 वोट आगे जाकर कब 50000 हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। केवल मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन को जीवंत करने का प्रयास होगा। हिमाचल में जीतती है नहीं जीतती हमारी पार्टी वो बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरह से वहाँ पर अगर संगठन बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हारेंगे भी तब भी संगठन वहाँ पर मजबूत होगा। और गुजरात की बात करें आम आदमी पार्टी को, यहाँ गुजरात में आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है और ये उनके लिए सुखद एहसास है। अगर हम बेहतर करेंगे तो उसका परिणाम भी बेहतर आएगा, जीते चाहे हारे पर संगठन यहाँ मजबूत होगा और ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात में भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।